हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन टू इन द चेंज। तो हुआ क्या बेटा, मेरा एन टू से एन एस थ्री बन रहा है ना, एन टू से एन एस थ्री बन रहा है और हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है बेटा मेरा? इक्विवेलेंट वेट होता है मेरा मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, मोलिकुलर वेट की बात करें बेटा तो हमें एन टू का पूछा गया। तो मोलिकुलर वेट एन टू का कितना होता है बेटा? एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन है 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो बात करें एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर क्या एक्चुअली में, एन फैक्टर होता है बेटा चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इंटू में नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स के लिए हुआ चेंज इंटू में नंबर ऑफ एटम्स, ये कहलाता है बेटा मेरा एन फैक्टर, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन की बेटा एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट है तो जीरो ऑक्सीडेट होगी बेटा यहाँ पे। हाइड्रोजन की प्लस वन, तो ये एक्स मान लो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी यहाँ से? -3 आई। मतलब किस में जा रहा है? जीरो से -3 में जा रहा है। मतलब चेंज कितने का बेटा? तीन का चेंज है। कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है? दो है। तो ये कितना आ जाएगा? एन फैक्टर 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना बेटा मेरा? 92 का 28 है डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है? 6। 28/6, हैंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।